दोस्तों, अगर आप कोई जॉब के लिए सर्च कर रहे हो और आप काफ़ी दिनों से परेशान, आपको कोई नहीं मिल पा रही और आप देख रहे हैं कि कोई अच्छा सा जॉब मिलता, तो आप अगर जियो के साथ कोई काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और वो भी घर बैठे, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप जियो में घर बैठे जॉब पा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊँ, तो उसके लिए आपको jio.com पे जाना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप सबसे पहले एक निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग हैं उनको भी इस वीडियो के से जानकारी मिले और वो भी अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए आपको jio.com पे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं jio.com, और इसमें स्क्रॉल करते हुए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ तो अभी ऊपर ऑफर बता रहा था, इस ऑफर कवर को कुछ नहीं देखना है, बाकी स्क्रॉल करते हुए जाएं अपन नीचे, एक साइड में सबसे नीचे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैरियर्स है, अवर कंपनी में यहाँ पे कैरियर्स, तो इस कैरियर्स को अपन को ओपन करना है। तो चलिए, इस कैरियर्स को ओपन कर रहे हैं अपन। देखिए इस वाले कॉर्नर से जॉब्स पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कैसा जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप देख सकें यहाँ पे कीवर्ड डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन में कौन सी जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट सर्विसेज, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फ्रीलांसर, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एंड सिस्टम्स, तो या फिर इस सभी रिलेटेड ढेरों जॉब हैं। तो हमें घर बैठे कोई जॉब करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कस्टमर सर्विस, तो ये वाले जॉब, ये वाला टाइटल हम सेलेक्ट करेंगे और इस पर आप जो भी आप लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम चलिए भोपाल के लिए सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें हम फ्रेशनेस हैं आप, तो जो भी आपके फ्रेशनेस जॉब है, मतलब जो अभी हाल ही में जिसका एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा वो आप जॉब देखेगी। तो भोपाल के लिए कस्टमर सर्विस है जो हैं उसके लिए सर्च करते हैं। चलिए देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर भोपाल में कस्टमर सर्विस के 26 जॉब्स हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं आप कस्टमर सर्विस के ये 26 जॉब है, इसमें आप घर बैठे ही अपना जॉब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एडवाइजर वाइस, तो ये भोपाल में है, इसका पोस्ट डेट की बात करें ये 26 अक्टूबर को, ये देख सकते हैं 26 अक्टूबर को पोस्ट डेट का, मतलब हाल ही में रिलीज हो, कल ही की तारीख में ये डाला गया। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं एडवाइजर वाइस RCC, ये कोड नंबर के यहाँ पे भी 26 तारीख को हुआ था, ये नीचे बात करें ये भी 26 में हुआ है, और नीचे की यहाँ पे 24 में, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जॉब यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी 10 पेज तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पेज की संख्या बढ़ा सकते हैं जितने भी एंट्रीज करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ढेरों सारी जॉब्स जो भोपाल में अभी अभी हाल ही में इनका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमें अभी हाल ही के जॉब देखना और एडवर्टाइज वॉइस के लिए इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए, डेट इसका 26 अक्टूबर 2021 है, फंक्शन बिजनेस एरिया कस्टमर सर्विस का है इसमें, और लोकेशन एडवाइजर भोपाल 1 हिंदी 2 भोपाल 3 होशंगाबाद रोड मध्य प्रदेश, तो ये लोकेशन जिसका दिया गया है ये भोपाल का लोकेशन है। यहाँ पे भोपाल के लिए रिक्वायरमेंट क्या मांगा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे 10+2 या ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो आप ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन से हुए हों, या 10+12 मतलब 12वीं क्लास आपने 12th पास किया हो, या ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 6 महीने से 2 साल का एक्सपीरियंस, तो मिनिमम यहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस इन BPO इज मैंडेटरी, तो 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्किल्स की बात करें, तो इसमें स्किल्स स्पीक लोकल लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर फोकस, टेक्निकल ओरिएंटेशन और अटेंशन टू डिटेल्स, सर्विस माइंडसेट, तो ये इतने स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की बात करें, तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे आप,
इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट बार कॉर्नर टॉप राइट में यहाँ पे अप्लाई नाउ करके दिया गया है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसने पहले से रजिस्टर किया तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे न्यू यूजर पे रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी है आपका, जो भी डालें उसमें पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं इसमें, फिर कन्फर्म पासवर्ड कर दें, फिर फाइल नेम सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो भी है, उसके बाद कीजिए कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपके एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा, और उस आईडी पासवर्ड के द्वारा आप वहाँ पे लॉगिन करके इन जॉब्स जो भी जॉब्स हैं आपकी लोकेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको भोपाल लोकेशन के लिए, अगर आप और कोई दूसरी लोकेशन से तो उसके लिए आप लगेज करते, जैसे मैं आप यहाँ पे इंदौर का करके बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं इंदौर में भी कितने जॉब्स हैं, यहाँ पे फ्रीलांसर 137 सकते हैं, होशंगाबाद में भी काफ़ी जॉब्स है। तो यहाँ पे मतलब जो भी आपका शहर लोकल है, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तो आप यहाँ पे अपना लोकेशन जो भी डालेंगे तो वहाँ पे कोई भी जॉब होगी ओपनिंग में तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 3 जॉब्स हैं, और फ्रीलांसर 1 जॉब्स है, बिजनेस ऑपरेशन का 1 जॉब्स है, तो आप इस पर अप्लाई करके आप इसमें अपना अच्छा सा जॉब कर सकते हैं, और इसकी भी जो भी प्रोसेस है वो सभी ऑनलाइन रहेगी। अगर बात करें इसमें तो इसमें जब आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल रहता है वो भी ऑनलाइन रहता है, और टेस्ट जो भी रहता है वो भी इसमें ऑनलाइन ही रहता है। तो देखें आप यहाँ पे ये जॉब है कॉल टू जियो कस्टमर, तो इसमें आपको अपने केवल मोबाइल से ही इस कस्टमर को हैंडल्स करना है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और